शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रेसिडेंट एडवोकेट्स एसोसिएशन, पटना उच्च न्यायालय। देखिए, आप ये ठीक बोल रहे हैं कि 21 साल बाद पुनः इस तरह का मामला लोगों के सामने आया है और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो पुरानी बात हो गई है। उस तरह के डाउन कई डाउन इधर पैदा लिए हैं, तो मैं समझता हूं कि यह एक रीजनल कन्फाइनमेंट वाली बात नहीं है। यह पूरे देश में ऐसा मेरे ख्याल से कोई गिरोह है जो जानबूझकर षड्यंत्र करके इस तरह का पेपर लीक कराने का काम करता है। देखिए, मैं ऐसा कोई विवादास्पद बात में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मत है कि इसमें बिहार का नाम को बदनाम मत कीजिए। यह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखना श्रेयस्कर होगा। देखिए, निश्चित रूप से यह एक गंभीर मामला है और पेपर लीक का मामला छात्रों के जीवन और मृत्यु के सवाल जैसा है। एक छात्र अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई, कोचिंग संस्थान तथा अन्य संस्थानों में व्यय करके, जो परिश्रम करके तैयारी करता है, और उसको जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, आप उसकी मन स्थिति देख सकते हैं। कभी कभी उसके मन में आत्मघाती ख्याल भी आते हैं। तो ऐसे में सरकार को संवेदनशील होना होगा और एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें जो संलिप्त लोग हैं, जिसने अपराध किया है, उनको किसी भी स्थिति में, जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं हो जाए आपराधिक मुकदमा का, बाहर न निकलने दिया जाए, ताकि एक कड़ा संदेश जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। देखिए, निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए और हमें प्रसन्नता है कि चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इस मुद्दे पे बहुत ही गंभीर है और इसको बहुत ही संवेदना के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ सरकार ले रही है। और मुझको विश्वास है कि आने वाले समय में एक ऐसा कानून पारित होने जा रहा है जिसके बाद शायद ही कोई ऐसा अपराधी होगा जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त होगा, बच पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की गंभीरता जो दिखाई पड़ रही है हमको, वो आगे और स्पष्ट रूप से आएगी और एक कानून का प्रारूप सामने आएगा जिसके तहत ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान होगा और मैं समझता हूं कि ऐसे अपराध पर भविष्य में लगाम लग जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहां जहां लूप होल्स हैं उसको बंद करने की ज़रूरत है और जो लूप होल्स के बेइज्जत फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उस पर सख्त कार्रवाई करके एक बिल्कुल मजबूत मैसेज देना है कि ऐसे लोग कभी छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा नाम मनीष है। ये रुकना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य जो है अंधकारमय होता है, वो हताश हो जाते हैं। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठानी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, जिसके कारण जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और इससे समाज और देश का विकास भी होगा और जो सही मेरिट वाले लोग हैं वो हमारे बीच रहेंगे, देश की सेवा करेंगे और इससे हम लोग लाभान्वित भी होंगे। देखिए, किसी पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप करना वो सही नहीं होगा, लेकिन ये सही है कि ये जो हर परीक्षाएं जो है उसमें प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो रही हैं, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, जिससे मेधावी छात्रों को मौका मिलेगा। आईएबी का परीक्षा घर पर कॉपी लाकर होता था, क्वेश्चने आउट होती थी, क्षेत्रीय कार्यालय हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो जो वैकेंसी निकला उसमें क्वेश्चन आउट होती थी। बीच में अचानक एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम आया जो पूरा दुनिया जानती है उनको, रंजीत डॉन, वो भी कैट का क्वेश्चन तक बाहर था। तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों तक शांति बनी रही।